सरपाल सिंह, लघु उद्योग भारती ग्रेटर नोएडा का अध्यक्ष और स्वावलंबी भारत अभियान जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी टीम है उसका सदस्य हूँ। आज यहाँ पे लघु उद्योग भारती के द्वारा स्वावलंबी भारत अभियान के ऑफिस की स्थापना की गई। ये अभियान RSS की 12 विभिन्न संगठनों द्वारा चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत कैसे हम अपनी युवा पीढ़ी को स्वरोजगार की तरफ प्रेरित करें, वो रोजगार देने के सिवाय रोजगार लेने की बजाय रोजगार देने वाले बने, उनमें कौशल विकास किस प्रकार हो, कैसे हम सामूहिक रोजगार की जो योजनाएं विभिन्न योजनाएं हैं उसके बारे में हम जो अपने ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर बताएं, सरकार की विभिन्न योजनाओं ऋण की योजनाओं के बारे में युवाओं को बताएं जिससे वो अपने उद्यम लगा सकें। इस उद्देश्य से इस कार्यालय का आज स्थापना की गई है जहाँ पे हम यहाँ के जो विभिन्न जो शैक्षिक संस्थान है उनको अपने साथ जोड़ेंगे। उनकी जो युवा पीढ़ी है जो शिक्षित होती है पर वो क्योंकि उनको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं होता, वो उद्यम में जाके कारखानों में जाके वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करेंगे जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा और जब वो उद्यम में जाएंगे अपने जॉब करेंगे तो अच्छी तरह से उनका आउटपुट लिया जा सकता है। लघु और सूक्ष्म उद्यमों में ये एक बहुत ही बड़ी विडंबना है कि इसमें जब हम लोग नए जो युवाओं को अपने यहाँ पे रखते हैं वो थोड़े दिन हमारे यहाँ काम करते हैं, एक लॉन्चिंग पैड की तरह से इस्तेमाल हम लोग नए जो युवाओं को अपने यहाँ पे रखते हैं वो थोड़े दिन हमारे यहाँ काम करते हैं एक लॉन्चिंग पैड की तरह से इस्तेमाल करते हैं और जब वो काम सीख जाते हैं तो उसके बाद वो बड़े बड़े उद्योगों में चले जाते हैं। ये इस तरह की भावना जो लोगों में है हम इससे भी उनको बताएंगे कि भाई बजाय आप बड़े उद्योग में जाने के आप अपना काम सीखिए और अपना उद्यम लगाइए जिससे आप अपने आप के साथ साथ दूसरों को भी रोजगार दे सकेंगे और सक्षम बन सकेंगे। इसी उद्देश्य से इस अभियान को चलाया जा रहा है और इसमें खाली लघु उद्योग भारती नहीं, इसमें भाजपा, विश्व हिंदू परिषद, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, सहकार भारती और सेवा भारती, किसान संघ, मजदूर संघ, इस तरह के सारे विभिन्न संगठन जो हैं वो इससे जुड़े हुए हैं और ये जो सामाजिक बुराई है बेरोजगारी की इसको जल्द से जल्द हम कैसे दूर करें इस उद्देश्य से इस अभियान को चलाया जा रहा है। मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं कि आज इस विशेष अवसर पे आप सभी हम लोगों के यहाँ आपसे साथ आए, बहुत बहुत आपका आभार और मैं निवेदन करूंगा मुकेश जी से। रोजगार योजना जो RSS ने यहाँ पे हमारे नोएडा हार्ट में खोली है मैं इसको बहुत वेलकम करता हूँ।